अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेटर, और आज से इलस्ट्रेटर के पहली क्लास होगी। तो इलस्ट्रेटर पे बेसिकली डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कोरल ड्रा इस्तेमाल होता है डिज़ाइनिंग के लिए, वैसे ही इलस्ट्रेटर जो है वो डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्क्रीन पर देखें इलस्ट्रेटर की पहली क्लास, ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है और मैं ओपन कर रहा हूँ इलस्ट्रेटर। ये जो है अडोब इलस्ट्रेटर ओपन हो रहा है हमारा, थोड़ा टाइम लगेगा तो ओपन हो जाएगा। ये अभी हमारा प्रॉपर ओपन तकरीबन हो चुका है। इस पे हर तरह की आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। कोरल ड्रा के बाद जो सबसे बेस्ट प्लेस है वर्किंग के लिए, ग्राफिक के लिए रिलेटेड, तो वो ये वाली है। क्रिएट न्यू पे क्लिक किया है और यहाँ पे मुख्तलिफ जो है अपने पेज की साइज रख सकते हैं। प्रिंट बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसमें नीचे टेम्पलेट्स भी हैं, वो टेम्पलेट्स को भी यूज़ आप कर सकते हैं। ये नीचे चेक करें, ये सारी टेम्पलेट्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें। ज़्यादातर इस्तेमाल होता है A4 साइज, तो हम A4 साइज लगते हैं और इंचेस में जो है वो रखने के बाद हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। क्रिएट ये हमारा ब्लैंक पेज जो है वाइट कलर में ये ओपन हो चुका है। और स्टार्ट हम करेंगे, इसमें अच्छा दो ऑप्शन होते हैं वो आपको मैं चेक कराता हूँ। एक होता है बेसिक और एक होता है एडवांस। अगर आप बेसिक सीख रहे हैं तो मैं आपको बेसिक ही जो है टूल्स स्टार्ट करूँगा। और इसमें सबसे पहले मेरा जो ख्याल है वो स्टार्ट किया जाए शेप्स टूल से, यानी कि शेप टूल से। हमारी 3-4 वीडियोस जो होंगी वो शेप टूल पर होंगी। और ये मैंने एक शेप ड्रा किया है, इस शेप को एक मैंने बड़ा जो है शेप ड्रा किया और एक छोटा शेप और एक उससे भी छोटा। और इस पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साइडें जो हैं, इसकी चारों कोने वो किस तरह स्मूथ किए जाते हैं। तो ये देखिए, मैं इसमें जो छोटा सा डॉट बना हुआ है ब्लू कलर का, उसको पकड़ा है और मैं ड्रैग कर रहा हूँ। तो ड्रैग करने से जो है इसके कॉर्नर जो है वो स्मूथ हो जाएंगे। और ये अब मैं दूसरी शेप को स्मूथ कर रहा हूँ, इसके चारों कॉर्नर जो है वो एक ही मरतबा अगर क्लिक करें तो चारों कोने उसके स्मूथ हो जाएंगे। जो कीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ वो स्क्रीन पे आपको शो हो रही होंगी। इसका मैं कलर आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ और जो इसकी आउटलाइन है उसका कलर मैं येलो कर रहा हूँ। याद रखिएगा, अगर किसी भी शेप को कलर दें या किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, सिलेक्शन नहीं होगी तो वो उस पर काम नहीं होगा। जैसे इसका मैंने आउटलाइन ब्लू करना था तो मैंने सिलेक्ट नहीं किया तो ब्लू कलर नहीं हुआ, अभी ब्लू हो गया। अब दूसरी शेप का मैं कलर आपको चेंज करके दिखाता हूँ कि दूसरी कलर का कौन सा कलर करने, इसमें ग्रीन कलर में कर रहा हूँ। और जो इसकी स्मूथ भी चेक करें और इसका जो है ब्लैक कलर है वो रेड कलर में चेंज कर रहा हूँ। ये इसका, लेकिन मैंने शेप सेलेक्ट नहीं की थी, चला कलर चेंज नहीं हुआ। ये आप देखिए, हमारी शेप का कलर जो है वो आउटलाइन इसकी रेड कर दी है। अब जो हमारी तीसरी शेप है
उसको हम कलराइज कर रहे हैं। आउटलाइन जो है इसकी मैं रेड की है, और ये तीनों शेप्स को मैंने कलर में, या याद रखिएगा ये मैंने सारी सेलेक्ट अगर करनी है तो सब को सिलेक्ट करें, अगर आपने एक पे क्लिक किया तो सिर्फ एक ही शेप सिलेक्ट होगी। ये मैं अलग अलग इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरी जो क्लास नंबर 1 है या जो स्टार्टिंग वाली क्लास हैं ये बेसिक वाली हैं। ये कलर सिंपली कलर जो है टूल आप मैंने वो सिलेक्ट की और इसे एक शेप से दूसरी शेप में कलर कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने ये नीचे ब्लू कलर लिया तो वो जहाँ पे पेस्ट कर दिया तो ये ब्लू कलर में चेंज होगी शेप। तो पहली जो हमारी क्लास थी उसमें बस इतना ही, और अगली क्लास में हम मज़ीद सीखेंगे इलस्ट्रेटर पे कैसे काम होता है। ये बेसिक जो एडिटोरियल है बेसिक इलस्ट्रेटर के लिए, आगे आगे इंशाल्लाह चल के हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, लेकिन स्टार्ट में हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। तो साथ साथ आप देखें, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह एडवांस तक ले जाएंगे, और आपको ऐसा ऐसा गाइड करता रहूँगा इलस्ट्रेटर पे कैसे काम होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।